चित्रकला प्रेमियों को सादर नमस्कार। हरियाणवी फोक एचडी चैनल पर चल रही सांग श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। इस बार चैनल आपके लिए लेकर आया है सांग रूप बसंत, जो के बाजे भगत जी की प्रणाली से है और श्री स्वामी जी के निर्देशन में है। सांग रूप बसंत में आप सुनेंगे बाजे भगत जी की प्रणाली से वो मधुर धुनें जो अब तक दर्शकों के दिलों में घर किए हुए हैं, जैसे के उच्च है ब्रह्मा गुरु बना ले ओ पर मूरख विद्या पढ़े नहीं, हेर काले रंग के ऊपर दूजा रंग कोई भी चढ़े नहीं। चाहे ब्रह्मा गुरु बना ले ओ पर मूरख विद्या पढ़े नहीं, काले रंग के ऊपर कोई रंग दूसरा चढ़े नहीं। इस प्रकार की धुने आपको इस सांग में सुनने को मिलेगी, तो आनंद लीजिए सांग रूप बसंत का। धन्यवाद। जय हिंद, जय हरियाणा। और इस अपने बच्चों की तरफ से हाथ जोड़कर राम 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 भाई। आपके सामने एक छोटा सा भजन और किस समय का किस हिसाब का, अगर कोई भी कार्य शुरू करने से पहले उस परम पिता परमेश्वर का नाम जरूर लेना जरूरी। तड़के उठा आदमी जब भी लेना चाहिए पूरा दे तोड़ के मैं तोड़ गंगराई तोड़े नुगा भगवान ठीक ठाक उठ लिया इसे भी से तड़का पुआ पीड़ की सोचा रहे कर उठ गो भगवान के नाम में। पर क्या बता जिस भजन में राम का नाम ना हो उस भजन को गाना ना चाहिए। फालतू हो जाए ना तो प्रकृति नीत आदमी ने बिगाड़ नहीं चाहिए। नीत के साथ परम पिता ने यह बताया, नीत के साथ बरकत बताइए।
अजीत और नीत न्यूज तेरे कुछ नहीं है। कितनी अमीरी आ जाओ कदे जमने ते खाना ना चाहिए। दूसरे के दिल में देख कर परचीन लचाना ना चाहिए। दूसरे को खाना ना चाहिए। और कितनी प्यारी हो सब भेद बताना ना। भाई कितना अरे भाई कितना दुश्मन हो तरा छपाना ना चाहिए। Yeah.
चंद सतगुरु मिले नित्र हूँ चरण का दास सांगियों की क्यों अरे महीने में दो महीने में तीन महीने में यहां भी सांग होता रहता है और गांव के अंदर भी होता रहता है। हम तो इनको हाथ जोड़कर बड़ा धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद रहेगा हमारा। हम तो हाथ जोड़कर यही कहना चाहते हैं। और सांग ये एक धारागढ़ के बीच में कौन राजा खड़ग सिंह महाराज जिसकी रानी का नाम धनुमती, उसके दो लड़के रूप और बसंत। जो रानी थी कुछ बीमार हो जाती है, उस महल में एक चिड़िया एक चिड़ा रहते थे, उनका भी दो बच्चे थे। वो चिड़िया भी बीमार हो जाती है, मर जाती है। चिड़ा सोचता है ये बच्चे वैसे नहीं पड़ेंगे, दूसरी चिड़िया को भी आता है, सौ के बेटे समझ कर वो दोनों बच्चों को मार देती है। मारने के बाद रानी को देखा, कदे तू भी बीमार है, कदे मर जा, तेरे बेटा ने इतना तो खोजा। तो राजा को बुलाती है दरबार से महलों में, और किस तरह बांधी जाती है और किस तरह एक संतरी जाता है, किस तरह क्या बात होती है, सुनिए ध्यान से। सब जाकर के बुला श्री को माता की, बात माता की, उन्होंने बात बोले भी शामिल छोटी छोटी छोरी आ करे वह भी गोबर को टोलती अकवाई मेरे ताऊ की गौड़ी चोत कर गिर मैं खाऊ क्योंकि उसने अपने ताऊ की गौड़ी थे इतना प्रेम है गौ से अब चोत के भी हाथ में लाने देव पर को छोरी नूनी कती सुनी होगी अब वो मेरा ताऊ आया चोट कर घर में ठाऊंगी तो माता के गोबर दाम कर तो नीचे सुनियो को नीचे तो पवित्र कराते और मारे तेरे गोबर तो नीचे तो गवान आता ही शराब लगाने एक तो गौ का नारा लगाने से जितने भी पाप इंसान ने कर रखे ना वो भी डूब जाए ठाडू बोल श्री गौ माता की भारत माता की हनुमान माता की हाय बंदी हाय रानी साहब राम 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 कहिए क्या बात है रानी साहब बंदी हाँ आपको एक काम करना होगा ये आपको दरबार में जाना होगा क्या? और महाराज को जल्दी से जल्दी मेरे पास में बुला कर ले आना होगा। रानी साहब ऐसी क्या बात है जो महाराज को यहाँ बुला के लाऊं महलों में? ऐसी क्या बात है? हाँ बताऊं? बता दे। ले सुनिए मेरी बात। क्या हो गया? हे दरबार में बंदी चाहिए
और बांदी पैर कैसे पैर के लिए चाहिए कैसे सुनिए कान क्या है बताओ बताइए।